निगम बोर्ड की बैठक में जमकर हुआ हंगामा। रुड़की मेयर के खिलाफ पार्षदों ने लगाए जमकर नारे। रुड़की नगर निगम में बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। रुड़की नगर निगम पार्षदों द्वारा काफी समय से बोर्ड बैठक बुलाए जाने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद आज नगर निगम में बोर्ड बैठक बुलाई गई, जिसमें भारी हंगामे के बीच कई प्रस्ताव पास हुए। पार्षदों द्वारा बोर्ड की मीटिंग के दौरान रुड़की मेयर गोयल मुर्दाबाद या रुड़की मेयर चोर है जैसे पार्षदों द्वारा नारे लगाए गए। पार्षदों का आरोप है कि गौरव गोयल निगम में अपनी मनमानी करते हैं। वहीं पार्षदों द्वारा रुड़की मेयर गौरव गोयल पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो मेयर गौरव गोयल के खाने की कमाने के प्रस्ताव हैं, केवल वही प्रस्ताव पास होते हैं। गौरव गोयल रुड़की के विकास में बाधा डाल रहे हैं। वहीं गौरव गोयल ने बताया कि आज बोर्ड की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पास किए गए। वैसे पूरे कार्यक्रम के दौरान एक मामला सामने आया कि एक माहिग्रान के पार्षद का जो लेटर पैड था वह गौरव गोयल के पास भी पहुंच चुका था, और कुछ पार्षदों द्वारा वह भी दिखाया गया कि जिसको फर्जी बताया जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि पार्षदों द्वारा लेटर पैड को दिखाया गया वह फर्जी, जिसको बताया जा रहा है लेटर पैड कहां से आया। इस लेटर पैड को पार्षद रेशमा परवीन द्वारा फर्जी लेटर बताया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। पर हम लोग जो हमारा बहुमत है वो मेयर साहब का, मेयर साहब अगर अच्छा काम करेंगे, अच्छी सोच रखें तो मेयर साहब के साथ रहेंगे। मेयर साहब अगर भ्रष्टाचारी में लिप्त होंगे तो हम उनके साथ नहीं होंगे। हम कमीशनखोर नहीं है। मेयर साहब का नाम एक शहर में मुद्दा और एक कमीशनखोर के नाम से चर्चित है, वो दाग हम लोगों के ऊपर नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आज की जो बोर्ड बैठक हुई है ये कोर्ट के आदेश की बोर्ड बैठक हुई। मेयर साहब चाहते ही कि बोर्ड बैठक हो, बैठक बोर्ड की बैठक होगी तो शहर के विकास की बात होंगे, शहर के विकास बोर्ड बैठक में रखी भी जाएंगे। मेयर साहब हम लोगों के कई बार अनुरोध करने के बाद भी बोर्ड बैठक की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और आज शहर के विकास के हमने प्रस्ताव रखे थे, कुछ प्रस्ताव पास हुए, कुछ पास नहीं हो पाए। बहुमत के साथ जो भी प्रस्ताव पास हुए उनसे शहर का विकास कराने का पूरा प्रयास करेंगे, और निश्चित रूप से शहर का सर्वांगीण विकास हो। हमारे नए नगर आयुक्त आए हैं, सहायक नगर आयुक्त आए हैं, और मैं समझता हूं कि हमारी टीम पूरी हो चुकी है। हमें आ चुके हैं, दो मैसन आ चुके हैं। निश्चित रूप से अब चौमुखी विकास करेंगे, सब लोग मिलकर के चलेंगे, और शहर के अंदर बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। क्योंकि अब कोविड काल ऐसा प्रतीत होता है धीरे धीरे बढ़ रहा है। सैनिटाइजिंग शहर के हर मोहल्ले तक हो, हर घर तक हो, ये हमें सुनिश्चित करना है। और जो भी रूल्स है हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे MNA है उन पे ASTM का भी चार्ज है, और कोविड का काम भी वो देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ और बेहतर तरीके से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पूर्व में भी देखा गया है कि कुछ पार्षदों को हमारे जो पूर्व के MNA और SNA रहे हैं वो यहाँ पे ठेकेदार बना के गए हैं, बहुत आर्थिक लाभ देकर के गए हैं। निश्चित रूप से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसे ठेकेदारों को, पार्षदों को, जो भी उनके ऊपर हो सकता है कि हम यहाँ ठेकेदारी ना करने दी जाए पार्षदों। देखिए हमारी तरफ से कोई हंगामा नहीं रहा है, हमारी तरफ से कोई हंगामा नहीं, तो सुचारू रूप से सही तरीके से बैठक की है। सिर्फ क्या है, हमने प्रस्ताव पास किया, और जो हमारे शहर के महापौर है इनकी तरफ से जो कुछ प्रस्ताव इस तरह के थे, कुछ उनके जो है खाने कमाने वाले, वो हमने सब प्रस्ताव गिरा दिए। सिर्फ जो प्रस्ताव पास हुए हैं शहर के विकास करने के लिए, और प्रत्येक वार्ड के विकास करने के लिए प्रस्ताव पास जी लगाए गए हैं, उनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए नारे लगाए गए हैं। मेयर साहब की जो कार्य प्रणाली है बहुत ही भ्रष्ट है, उसको देखते हुए नारे लगाए गए। क्या वजह? तो सीधी सी बात है, महापौर जो है वो लालच में छोड़ना पड़ेगा, महापौर को लालच बहुत है, लालच छोड़ना पड़ेगा। और पार्षद जो है वो बेचारा क्या है कि अपने वार्ड के प्रति, अपना काम के प्रति निगम के चक्कर काटता है, लेकिन महापौर को कोई होश नहीं है। अभी टेंडरों पे साइन होने थे, जो पहले हमारे MLA मैडम थी यहाँ पर नुपुर वर्मा और चंद्रकांत भट्टी जो हमारे SNA थे, उन्होंने एक टेंडर की पूरी मतलब फाइलिंग के बाद भेजी, इन्होंने वो निरस्त कर दी, जबकि इन्हें मालूम है 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता में कुछ भी विकास कार्य नहीं हो पाएंगे, क्या इनको नहीं करने चाहिए थे। वजह बस यही है इनकी अपनी मनमानी है। वो क्या है, वो गुट बना के चलते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास तो अपने 20-25 पार्षद हैं, मैं सिर्फ उनकी सुनूंगा, मैं दूसरों की सुनूंगा, दूसरे पार्षद की सुनूंगा, तो दूसरा पार्षद का वोट लेके नहीं आया जब तक। और कार्य में दिक्कत आ रही है, इसीलिए बोर्ड मीटिंग के लिए बार बार हम जो है प्रस्ताव दे रहे थे यहाँ पर कि बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए, बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए। बड़ी मीटिंग से हमारे नए जो MLA आए हैं उन्होंने फिर इनको एक लेटर भेजा कि या तो बोर्ड मीटिंग बुलाई या नहीं तो मैं खुद करूँगा बोर्ड मीटिंग, तो फिर ये